नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं अफजल जिमनास्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल जिमनास्ट में। आज हम सीखने वाले हैं मयूरासन। मयूरासन करने के लाभ, मयूरासन किन लोगों को नहीं करना चाहिए और मयूरासन कैसे सीखा जाए, इसका क्या तरीका है, और प्रोग्रेशन स्टेप मैं बताऊँगा किस तरीके से इसको सीखा जाए। तो पहले मैं आपको मयूरासन करके दिखाता हूँ मयूरासन कैसे होता है, और फिर इसमें कॉमन मिस्टेक जो होती है मैं सब बताऊँगा आपको। मयूरासन के लिए आराम से बैठ जाए, अब मयूरासन अभी आपने देखा कैसे किया मैंने मयूरासन। मयूरासन के क्या फायदे हैं? मयूरासन देखिए, जब हम एल्बो के ऊपर पूरा एब्डोमिन को लगाते हैं, पूरा वेट आता है बॉडी का एब्डोमिन के ऊपर, एब्डोमिन हमारा स्ट्रांग होता है, बैक स्ट्रांग होती है, हमारा शोल्डर और बाइसेप स्ट्रांग होता है, रिस्ट स्ट्रांग होती है, पूरी बॉडी पे ये वर्क करता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, उसको अच्छा बनाने में हेल्प करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मयूरासन कर रहे हैं तो पेट की सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब है कौन लोग इसको ना करें। ना करने के लिए किसी को अगर सर्जरी हुई है, कोई इंजरी है, कोई बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो लोग मयूरासन ना करें। अब प्रोग्रेसिंग स्टेप बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, हैंड पोजिशन। लोग हाथों को क्या करते हैं ना, ऐसे लगाते हैं इस तरीके से, रॉन्ग पोजिशन है ये, और यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सा इस तरफ से लेगा, इस तरीके से वो हाथों को लगाते हैं। देखिए, जहां ऐसे हाथ लगाएंगे ना तो मयूरासन हो नहीं पाएगा। वो किसी में अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है तो वो अलग तरीके, ज्यादा शोल्डर को फॉल कर देगा, उस तरीके से कर सकता है। तो हाथों को देखिए, ये रिस्ट है, देख रहे हैं आप, इसको ऐसे रोटेट करना है, फुल क्लोज नहीं रखेंगे ज्यादा, क्योंकि फिर बैलेंस नहीं बन पाएगा आपका, इधर उधर साइड में आप गिर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ओपन रहेगा, ये वाली पोजीशन लेनी है आपको। अब सेकंड स्टेप, फर्स्ट हो गया हमारा रिस्ट पोजीशन हो गई यहाँ से, सेकंड जो एल्बो होती है ना उसको यहाँ पे हमारे एब्डोमिन के ऊपर, इस कोर एरिया के ऊपर यहाँ पे रखना है, इधर रखना है। लोग यहाँ पे रखते हैं साइड में, फिसल जाता है, पूरा नीचे ही आ जाते हैं और गिर जाते हैं हम। तो यहाँ पे फंसाना है इसको, इधर फंसाना है। देखिए, ये रख लिया यहाँ से, ये यहाँ पे आपने लगा लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये देखिए यहाँ पे आपने आपको लगाया, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे आपके एल्बो है। अब पीछे बॉडी ज़्यादा लंबी है, उठ नहीं सकती है, तो आपको अपर बॉडी को, फुल बॉडी को थोड़ा आगे शिफ्ट करना होगा, आगे शिफ्ट करना होगा। अब फोर्थ स्टेप में अभी बताऊँगा आपको। सेम पोजीशन रखें यहाँ पे, ये आपने पोजीशन ली, यहाँ पैर नहीं उठ पाएगा। अब आगे आपको शोल्डर को थोड़ा फॉल करना होगा, ये देखिए यहाँ पे आपका बाइसेप्स भी यूज होगा और शोल्डर भी यूज होगा। अब पैर सीधा कर लें, ये जो फिंगर देख रहे हैं आप, फिंगर सर थोड़ा फिंगर दिखाओ, फिंगर है, जूम कर दो, ये फिंगर है ना, फिंगर को प्रेस करना है, इसे धक्का मारना तो पैर उठेंगे। यहाँ से फिंगर दबाओ, उठ गया आपके पैर। ठीक है, ये फोर स्टेप मैंने बताए हैं, जिसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ है, जो थोड़ा फिट फाट होगा वो इन स्टेप्स को पकड़ के सीख लेगा। लेकिन किसी के अंदर अगर शोल्डर की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, एब्डोमिन इतना स्ट्रांग नहीं है, बैक इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनके लिए मैं तीन एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको करके आप अपनी मयूरासन की प्रोग्रेशन के लिए हेल्प करेंगी। जो आपको इसमें आपको करनी है, नौकासन करना होगा, एक ये नौकासन, अपनी कोर को स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए नौकासन होल्ड करें, 10 से 20 सेकंड होल्ड करें, ऐसे 5 से 10 बार करें, रोज इसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा होगा एक सुपरमैन, सुपरमैन सभी जानते हैं सुपरमैन कैसे उड़ता है, ठीक है, हैंड्स को और लेग्स को दोनों उठाना है, यहाँ से ये होल्ड करना है आपको 10 से 20 सेकेंड, रोज 5 से 10 बार करें इसको।
तो आपकी बैक की और कोर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब है शोल्डर, शोल्डर और बाइसेप्स, ये वाला जो ये जो होगा ना यहाँ से जो हमने आगे शिफ्ट किया, ये स्ट्रेंथ नहीं होती है लोगों में शोल्डर की। तो हाथ ऐसे कर लें, यहाँ से नीज को लगा लें, ये लगाया, यहाँ से आपको अप नी अप, देखिए ये माउंटेन टाइप रहेगा थोड़ा, और एल्बो बैंड, और यहाँ पे होल्ड करें 10 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप बिना एल्बो लगाए भी कर सकते हैं, बिना एल्बो यहाँ पे टच किए और लगा के भी प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। लगा के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये यहाँ पे लगा लिए, यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करें आगे की रखें। जब ये होने लगेगा ना, आप 5-10 सेकेंड इसको करने लगेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करें। और शीर्षासन की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप शीर्षासन सीखना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या एंड स्क्रीन लगा दूंगा, आप वहाँ पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। और हमने एक जिम्नास्टिक एकेडमी स्टार्ट की है, वॉरियर जिम्नास्टिक्स एकेडमी। जो लोग फ्रंट फ्लिप सीखना चाहते हैं, बैक फ्लिप सीखना चाहते हैं, या फिर जिमनास्टिक के या स्टंट टाइप कुछ भी मूवमेंट सीखना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बड़े लोगों की अलग क्लास होती है, किड्स की अलग क्लास होती है। उम्मीद है कुछ आपको सीखने को मिला होगा, अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।